निलाल साहब, ये बताएं कि तकरीबन एक माह में आपको ये कितनी दफ़ा कारोबार मिलता है, ये काम मिलता है, मजदूरी मिलती है कि जिससे आप क्या और आपके बच्चों का गुजारा हो सकता है कि नहीं? जब हालात सही है, हर चीज़ सस्ता ही है, फिर पूरा महीना भी काम चलता है। ठीक है, अभी तो हालात इस किस्म के कोरोना वायरस की वजह से भी परेशान हो रहे हैं, तो अभी की सूरत है? अभी एक महीने में एक ही काम मिला। एक महीने में सिर्फ एक ही काम? एक ही काम मिला, यानी इस काम में से जो आमदनी होगी 1000 रुपये पर डे के लिहाज से, किसी लिहाज से भी, तो आपका इस महीने का गुजारा बच्चों का इस समय इसी का है। तो चलाना है ना। किराए का मकान, आप किराए के मकान में रहते हैं या घर अपना है? किराए का है। किराए का है। किराया कितना किराया देते हैं? 7000 महीने का। 7000 महीने का किराया, और बिजली इसके अलग होगी, गैस अलग होगी इसके? वो उसके साथ ही है। अच्छा, ये आपके लिए एक थोड़ी सी सहूलत है। तो असल में ये एरिया, जिस एरिया में निज़ाम रहता है, ये एरिया थोड़ा सा यानी काबिल बर्दाश्त है, कच्ची आबादी कहलाती है। यहाँ पे 7000 रुपये किराया का मतलब है कि बहुत कम किराया है। चलो, कम अज़ कम निज़ाम का एक थोड़ा सा हमें एक तसली हो गई कि कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो इनके ऊपर किराए का इतना ज़्यादा बोझ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक माह में 3 दिन का तकरीबन ये काम है, जहाँ पे जिस घर में ये काम कर रहे हैं, 3 दिन में या 4 दिन में अगर कुछ इनकम होती है, तो एक माह में एक मजदूर किस तरीके से गुजारा कर सकता है? जबकि इस वक्त मार्केट में दूध 120 रुपये किलो, बच्चों को या घर में चाय बनाने के लिए भी दूध लेते हैं, तो वो 2 दिन के लिए इतना महंगा पड़ता है कि अगर महीने का सिर्फ उसका बजट निकालें तो तकरीबन 3800 रुपया दूध का बनता है, अगर 1 किलो रोज़ाना भी इस्तेमाल करें, यानी बच्चों को ना पिलाएं तो। अगर बच्चों को पिलाने के साथ अगर 2 किलो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 7000 रुपया समझ लें इनका सिर्फ महीने का दूध का खर्चा है। पत्ती अलग है, इसके अलावा खाने के आइटम अलग हैं, दीगर चीज़ें अलग हैं, लवाजमात कमी बेशी, और उनका कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल से इलाज नहीं है पाकिस्तान में जिससे मजदूर को प्रॉपर हकूक मिलने चाहिए कि उसका इलाज मुफ्त हो, उसके लिए तालीम, बच्चों के लिए मुफ्त हो, वो सारे अखराजात इसके अलावा हैं। तो एक मजदूर अगर 1 महीने में 4 दिन काम करता है, तो उसका गुजारा कैसे हो सकता है? ये हमारे हुकूमत को, हमारे निज़ाम को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आपका निज़ाम तो चल रहा है, तो इस माशरे के मजदूर निज़ाम का क्या होगा।